तो भैया ये कहानी है तीन लोगों की। उनकी शक्ल पे मत जाइएगा, बहुत ही विचित्र प्राणी हैं। तो उनमें से एक है मुन्ना, जो कि अपने आप को शहर का किंग मानते हैं, और दूसरे बबलू उनके चेले, और तीसरे हैं भोला। अब भोला बहुत ही सीधे आदमी हैं, जिन्हें मुन्ना भैया उठा कर लेकर आए हैं। तो देखते हैं मुन्ना भैया को भोला से क्या काम होता है। ये लो, स्टाइल तो दिखा नहीं पा रहे, पता नहीं डराएंगे कैसे। ना जाने इनको शहर का की किसने बना दिया। भैया जी बोला। हाँ वही वही, बैठो बैठो। देखो भाई बोला, अब हमारे भैया जी के रॉक के बारे में का ही बताएं। जब ई सामने आते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की फट जाती है, और कभी कभी इनके भी फट जाती है। का बोले? कुछ नहीं भैया जी। हाँ तो हम कह रहे थे, ये हमारे भैया जी हैं, जो ई बोलेंगे उनको करना ही पड़ेगा। हाँ तो भाई, का नाम बताया तुम अपना वो? अरे भाई, बुद्धि हमारी बहुत खराब हो गई है, क्या कहें अब। बुद्धि खराब नहीं, मन है यार। बबलू तुम फिर कुछ बोले। हमको भोला बोले? तो शक्ल से हम तुमको भोला दिखाई देते। ए देखो, हम भोला दिख रहे हैं का? एक नंबर के हराम है हम, और तुम हमको भोला बोल रहे हो। भैया जी भोला, हमारा नाम है भोला। तो ऐसा बोलो ना, कसले बुड़बक हो खतई, दिमाग ना है तुम्हारे पास। हाँ तो भैया, का नाम तुम्हारा? भोला। ये जान लो, हमारी बात को उका कहते हैं इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करना, हम बता रहे हैं तुमको। देखो भाई, मांजरा ऐसा है कि हमको पढ़ने वढ़ने का है शौक नहीं है, हम तो किंग हैं शहर के। बचपन से ही हम तो ऐसे ही पास हो गए हैं। देखो भाई बोला, वो का है ना, ये हमारी अम्मा जो है ना, वो हमसे बहुत है प्रेम करती हैं। बचपन से उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करें। तो वो चाहती हैं कि उनका मन टाप करे, अब उनकी ख्वाहिश है तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये बात अच्छे से अपनी बुद्धि में डाल लो कि तुमको हमका टाप कराना है। अब तुम्हारी अम्मा चाहती हैं, और उनके लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। जान, जरा सी उंगली कट जाए तो खून देखते ही बेहोश हो जाते हैं। जान लेंगे यार बबलू, फिर तुम कुछ बोले। तो भाई बता रहा हूँ तुमको, हमारा भेजा बिल्कुल ना हिलाना। जो हमारा भेजा हिला तो तुम्हारी फटेगी बहुत ऊपरी, बता रहे हैं तुमको। सॉरी भैया जी। क्या बवाल बचा रखा है यहाँ पर, और ये कैसे वस्त्र पहने हैं? हमारी शमशीर कहाँ है? जाओ हमारे लिए शिकार का इंतजाम करो। अरे रे रे, बाबूजी मारे 67। कहाँ
कुछ हुआ था क्या? यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या होता है माई, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे फिकर ना करो, ये भैया जी की पैदाइशी बीमारी है। वो सब तो ठीक है, पर बाबूजी मां संटी को भी साथ। अरे कहा है ना कि भैया जी अपने बाबूजी से बहुत डरते हैं, इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि बाबूजी मारे संटी साठ, तुरंत अपने करैक्टर में वापस आ जाते हैं। ओ, अच्छा ऐसा है। इका लगा रखा है, देंगे ना एक घंटा सूख कर। बेटो हमारा चश्मा तो लगा दिया, पता नहीं कैसे उतर जाता है। हाँ तुम क्या बोल लेते? हाँ हमारी अम्मा चाहती हैं कि हम टाप करें, तो तुम समझ लो आपको तुम्हें टाप करना है, नहीं तो जानते हो ना तुम्हें सबका होगा। था क्या कि कॉलेज में तुम हमको का कहते हैं इंग्लिश में, सबसे जीनस और गोचू आदमी दिखाई दिए, इसलिए उठाई लिए तुमको। हाँ क्योंकि कोई सही आदमी पल्ले पड़ जाता तो इनको ही धो देता। फिर तुम कुछ बोले बबलू, देखो बता रहे हम तुमको हमारा एक घंटा पड़ जाएगा अभी। अरे नहीं भैया जी, हम तो ढक्कन है, बड़बड़ा रहते हैं कुछ भी, अब कंटिन्यू रहिए। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि तुमको जाना है और हमारा पेपरवा देकर आना है। जान लो एक बार, अगर हम टाप नहीं करें तो जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। भैया जी देखिए, आप ये बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर कॉलेज वालों को पता चल गया ना कि आप हमसे एग्जाम दिलवा रहे हैं, तो आप जानते नहीं कि आपका क्या होगा। अरे हाँ बबलू, ये तो हम सोचे ही नहीं। अरे हाँ भैया जी, तुम सोचे ही नहीं। अरे ये ढक्कन, ये भैया जी हमारे शहर के किंग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, तुम टेंशन ना लो। अच्छा तो इतने ही किंग हैं, तो खुदा ही पास हो जाए। अरे ओ झुंझुने, बात हमारी समझ लो, ऐसा बचाएंगे ना कि रुक नहीं पाओगे दोबारा। बता रहे हैं तुमको, जितना बोला है उतना करो। बाबूजी मारे संटी साठ। बबलू का किए तुम? कुछ नहीं मिला, छोड़ो। इस बार हम कुछ जरूर किए थे, बताओ तुम का किए थे बबलू। अच्छा बताते हैं, आप पड़ गए थे प्रेम में, आपको आपकी रानी मिल गई थी। क्या मैं प्यार हो गया था? हमें हमारा प्यार मिल गया था। बता ना कौन था वो, बता। ये
इसके प्यार में पड़ने से अच्छा तो हम जिंदा ही मर जाए। क्या क्या देखते रहते हैं यार, क्या हो रहा है हमको, हमारी खोपड़ी क्या हिल गई है। ये लो जहर, अब बोले थे ना मरना है आपको। अभी नहीं, बाद में मरेंगे, पहले मुद्दे पे आते हैं। हाँ तो हम बोल रहे थे कि मुल्ला जो हम काम करोगे ना तो इनाम मिलेगा, और नहीं करोगे तो भी इनाम मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद, ये हमारे सामने मुंह लटका क्यों बैठा है तू? शुक्र है इस बार इन्हें रानी नजर नहीं आई। क्या हुआ? चलो कैसे वस्त्र हम पहने, चश्मा कहाँ से? तुम पर, हमारे रहते हमारी प्रजा पर किसने जुल्म किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे रहते तुम मुंह लटकाए बैठे हो? बताओ किसने परेशान किया हमारी प्रजा को? हम उसकी ईट से ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे हम उसकी। हमें बताओ तुम, हम बता रहे हैं तुम्हें, उसकी ईट से ईट बजा देंगे। इनको क्या हो गया भाई? ईट से ईट बजा देंगे हम, ईट से ईट बजाएंगे, ईट से ईट बजाएंगे, बता रहे हैं। शमशीर ला, शमशीर ला, हमारे कहाँ है शमशीर? हम उसकी ईट से ईट बजाएंगे। इका है इबल्लम, इका है ला हमें शमशीर, हम उसकी ईट से ईट बजाएंगे। भैया की कहानी तो बड़ी पेचीदा सी हो गई, ना जाने इनका क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। हमें बोला नमस्कार, हमें बबलू, और ये हमारे चैनल है हर ट्रॉबल आगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर लेना वीडियो। हाँ ये तो भैया जी हमें बहुत मानेंगे, और हमें भिन्ना भैया जी के चेहरे हैं और ये उनका चैनल। तो भाई बोला कि जैसे अगर आपको झुंझुने से घूमना नहीं है तो चैनल को लाइक और ससुरे कहाँ हो बबलुआ? हाँ आ रही है जी, लगता है भैया जी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये कहाँ है? ये है हर ट्रॉबल आके दिल चुराने वाला, और हम कौन है? हम है मन्नू भैया। हमारा ई करेक्टर अगर तुमको पसंद आया है ना तो जल्दी से जाओ और वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, और जो नहीं करा ना तो जानते हो क्या होगा, झुंझुने की तरह बजाएंगे, घूमते ही जाओगे, रुकने का नाम नहीं लोगे, बताया तुमको, जाओ जल्दी।